नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देश की सभी बड़ी मंडियों के आज के आलू के ताज़ा भाव में। जी हां दोस्तों, आज हो चुका है 5 अक्टूबर 2020। देश की सभी बड़ी मंडियों में हाल फिलहाल में आलू के क्या ताज़ा भाव चल रहे हैं, पिछले सप्ताह में आलू के भाव में कितनी तेज़ी कितनी मंदी देखने को मिली है, इस वीडियो में तेज़ी और मंदी रिपोर्ट देखने वाले हैं। साथ दोस्तों, आलू का आपका भविष्य क्या रह सकता है, कितना उछाल आलू के भाव में आपको देखने को मिल सकता है, पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देंगे। तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार देश की बड़ी मंडियों के जो भी आलू के भाव होते हैं हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ ही अगर आप अपना आलू बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी जरूर लिख दें, ताकि हमारे साथ जो भी व्यापारी भाई जुड़े आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आलू खरीद सकें। सबसे पहले हम हरियाणा की दोस्तों बात कर लेते हैं। हरियाणा की अगर औसत भावों की हम बात करते हैं तो औसत भाव यहाँ दोस्तों मिनिमम आपके 1500 रुपये से लेकर है आपके 2800 रुपये तक है वो आलू हाल फिलहाल में बिक रहे हैं, यानी पर क्विंटल के भाव हम आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों बाकी यहाँ बात करें दूसरे राज्यों की, तो यहाँ मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ देवास मंडी में 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये, गुना की आपकी मध्य प्रदेश की मंडी में 1100 रुपये से लेकर 1700 रुपये, हरदा की मंडी में 2100 रुपये से लेकर 2300 रुपये तक आपका आलू बिक रहा है। अगर औसत भाव की बात करते हैं तो यहाँ 3000 रुपये तक आपका आलू है वो पर क्विंटल बिक रहा है। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की औरंगाबाद मंडी में 2400 रुपये से लेकर 2800 रुपये, वही दोस्तों बात करें नागपुर की मंडी में 2600 रुपये से लेकर 2800 रुपये, पुणे की मंडी में 1500 रुपये से लेकर 3200 रुपये। अगर दोस्तों औसत भाव की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आपके अच्छे खासे भाव हैं, लगभग 3500 रुपये तक यहाँ आलू आपका पर क्विंटल बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों पंजाब की हम बात कर लेते हैं। पंजाब की आदमपुर मंडी में 2000 रुपये से लेकर 2200, अंजाला मंडी में 2100 से लेकर आपके 2200, अमृतसर मंडी में यहाँ 1200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक बिक रहा है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर औसत भावों की बात करते हैं तो यहाँ 3000 रुपये तक आपका आलू है वो औसतन बिक रहा है, यहाँ अच्छे खासे किसानों को है वो आलू के भाव मिल रहे हैं। दोस्तों राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की अजमेर मंडी में 2200 रुपये से लेकर 2600 रुपये, अलवर मंडी में 2200 से लेकर 2800 रुपये, विजयनगर मंडी में 2095 से लेकर 2600 रुपये। अगर औसत भाव की बात करते हैं तो यहां आपके औसत भाव 2800 रुपये पर क्विंटल तक है, यानी अच्छे खासे भाव हैं अभी किसान भाइयों को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की औसत भाव की हम बात कर लेते हैं। आगरा में 2300 से लेकर 2500 रुपये। अगर दोस्तों अलीगढ़ की बात करते हैं 2450 से 2550। वही दोस्तों बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, बड़ी मंडियों की बात करते हैं, तो यहाँ औसत भाव आपके हैं लगभग 2600-2700, लगभग मैक्सिमम माने हैं तो 3000 रुपये तक आपका आलू बिक रहा है। और आप लगातार किसान भाइयों देख रहे होंगे कि आलू के भाव में लगातार आपका उछाल है वो पिछले दिनों में आपको देखने को मिल रहा है, और आलू के भाव में अभी भी आपका इजाफा है वो आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इतनी आवक है वो आलू की नहीं हो रही है जितनी आवक होनी चाहिए, तो यहाँ भाव आगे भी बढ़ते ही रहेंगे। तो ये आपके लिए अच्छी खबर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में फिर नए ताज़ा भावों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।